One, two, three, go. कितनी देर में गई भाई? ये तो सारा सेकंड भाई 100 पे पहुंच रही है। Hey guys, welcome to the new video. आज आपका भाई है BMW Motorrad में। एक्चुअली मैं अपनी बाइक देने आया था सर्विस के लिए, तो मैंने सोचा एक एक्सक्लूसिव वीडियो बनाते हैं F900R स्पोर्ट्स का। सो ये है एक लवली लुकिंग बाइक मेरे सामने, जो जिसमें मच इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं है, बट अगर आप R310R के फैन है BMW के, तो आप इस बाइक पे अपग्रेड कर सकते हो। सबसे पहले कॉस्ट की बात करते हैं। दिस इज हाउ इट लुक्स। इसकी चाबी ऑन करेंगे तो कुछ ऐसा दिखता है इसका डिस्प्ले। और इसकी कॉस्ट की बात करें तो ये पड़ेगी 990,000 एक शोरूम। और बहुत हल्की बाइक है। अभी GS छोड़ के अगर इसको चलाऊंगा तो ऑब्वियसली हल्की तो लगेगी। तो ये बाइक है उन लोगों के लिए जो 310R से अपग्रेड करना चाहते हैं अपने आप को और लेना चाहते हैं और एक्सक्लूसिव एक्सपीरियंस। एक स्ट्रीट रेसर का नेकेड बाइक है ये। तो थोड़ा कैमरा एंगल आपको अजीब सा लग रहा होगा, इसको थोड़ा ठीक कर दें, फिर मिलते हैं आपको इस बाइक के बारे में बात करने के लिए। सो गाइस, मैंने कैमरा को उल्टा लगा दिया है अभी। आई होप इसका जो एंगल है वो बढ़िया आ रहा होगा। तो गाइस, अगर इस लुक से आप देखोगे तो ये बाइक कुछ ऐसी दिख रही है, एंड आई होप सही दिख रही होगी। छोटा एंगल है, ज़्यादा वाइड नहीं है, थोड़ा एग्रेसिव पोजिशन है। इंजन थ्रॉट देंगे तो इस टाइप का इंजन नोट है इसका। अपसाइड डाउन इसके फोक हैं, आगे रेड लाइट है, पिकअप एग्रेसिव है। इट्स एन एग्रेसिव बाइक मैन ओवरऑल। दोपहर के बज रहे हैं 1, बाइक लॉग वरुण चला रहा है नई बाइक लाइफ में पहली बार F900R स्पोर्ट्स। इसके अंदर है 2 मोड्स, रेन। अभी मैं रेन मोड पे चला रहा हूँ, मोड का बटन है यहाँ पे। मोड को चेंज करने के लिए दोबारा दबाऊंगा, रेन से हो जाएगा रोड, फिर थ्रॉटल छोड़ के फिर से रेस दूंगा। तो आ गया है अब ये रोड के ऊपर, तो अभी चलते हैं हम कबन पार्क के अंदर। गाइज, इस बाइक का बेस्ट थिंग है कि मैं अपना पैर आराम से नीचे रख पा रहा हूँ, तो 5 फुट चेंज के लिए बढ़िया बाइक है। ज़्यादा यू नो इसका हाइट नहीं है, सीट हाइट मैं यहाँ पे स्क्रीन पे फ्लैश कर देता हूँ, क्योंकि मैं बिना प्रिपेयर हुए इस बाइक को चला रहा हूँ। आई होप आपको पसंद आएगा। और अभी इसका जो टैंक है वो 30 लीटर्स का है, जो शायद फुल होगा। और अभी दिखा रहा है यहाँ पे 221 किलोमीटर्स का रेंज इसके ऊपर। क्विक शिफ्टर नहीं है इसके अंदर, तो हमें नॉर्मली चेंज करना पड़ रहा है गियर। और मज़े ले रहे हैं हम कबन पार्क के F900R के ऊपर। स्पीड ब्रेकर पे देखते हैं कैसा परफॉर्म कर रही है। नाइस, स्टेडी बाइक, सेक्सी है यार। यही ले लूं क्या एक और? कंट्रोल्स आर आल्सो गुड। आई ऑलरेडी फील कनेक्टेड टू द बाइक। और यह हम आ गए विधानसभा। विधानसभा ऑन अवर राइट, ब्यूटीफुल आर्किटेक्चर। सबसे ब्यूटीफुल बात उसकी है कि उसमें भारत का झंडा लगा हुआ है। सो सैल्यूट। सो 1, 2, 3 गो। ट्रैफिक रहता है यहाँ पे, क्योंकि पीपल स्टॉप हियर फोटो लेने के लिए। बाइक के मजे लेते हुए यार, लॉकडाउन में शायद ये पहली नई बाइक है जो मैं चला रहा हूँ। जा बेटा, इट इज रियली फन टू राइड दिस बाइक मैन। हल्की एंड फास्ट,
900 सीसी का इंजन दे रखा है। हॉर्स पावर आप इसकी देख रहे हो स्क्रीन के ऊपर। स्पीड वगैरह भी मस्त भाग रही है भाई। रोड मोड इज लिटिल एग्रेसिव दैन द रेन मोड इन दिस बाइक। चलाने में मज़ा आ रहा है एज अ राइडर, मैं इसको बेचने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। चला के कैसी लग रही है बस उतना ही एक्सपीरियंस बता रहा हूँ मैं आप लोगों को। चलाने में मक्खन है बाप। शॉर्टकट लेके देखते हैं भैया, शॉर्टकट लेके सेकंड गियर पे क्या भागती है यार। इसका 0 to 100 भी चेक करना है अभी तो इस रोड पे नहीं होगा, उसके ऑपोजिट रोड पे होगा। तो गाइस वो है आपका स्टेडियम सामने ऑन माय राइट। ओह देख रहे हो गाइस, सो एग्रेसिव इट इज। कोई ट्रायंफ भी टेस्ट राइड कर रहा है। तो यहाँ से लेंगे हम यू टर्न, देखते हैं 0 to 100 कितनी देर में पहुँचती है। लेट्स वेट, मेक इट 0, रेडी 1 2 3 गो। कितनी देर में गई भाई, ये तो सारा सेकेंड में ही 100 पे पहुँच रही है। Beyond my expectation, man. Second gear में तो मेरा डॉलर भी 100 पे नहीं जाता this fast. So, too aggressive for me, man. U-turn इसका थोड़ा लंबा पड़ेगा जैसा कि मेरे को पता चला है। तो yes, not like my GS. Turning radius थोड़ा ज़्यादा है इसका। Wow man, this is a power beast. Turning radius chahe jyada ho lekin maneuvering is really easy on this bike. To ab hum dekhte hain is bike ko thoda aur closely aur baat karte hain iske kuch features ke bare mein on my first impression. To yahan pe hum rokte hain is bike ko aur baat karte hain is bike ke bare mein in little detail. स्टेडियम के पास, वाह वाई आई एम गोइंग ऑन फिफ्थ गियर मैन। फर्स्ट गियर, बाइक ऑन न्यूट्रल, स्टॉप, साइड स्टैंड। गाइस साइड स्टैंड लगाने में बहुत डर लग रहा है क्योंकि थोड़ा शॉर्ट है इसका साइड स्टैंड, नॉट लाइक जीएस, बाइक स्टिल स्टेज टॉल। तो इसमें नॉर्मल सस्पेंशन है, इट्स नॉट एन इलेक्ट्रॉनिक सस्पेंशन। ये इसका व्हील बेस है जैसा आपको दिख रहा है, इट्स अ चेन ड्रिवन बाइक अगेन। एंड सेंटर स्टैंड की भी फैसिलिटी है इसमें, तो मैं इसको सेंटर स्टैंड पर लगाने की कोशिश करता हूँ। लेट मी सी हाउ इट लुक्स ऑन द सेंटर स्टैंड। सो दिस इज़ हाउ इट लुक्स ऑन द सेंटर स्टैंड। ब्यूटिफुल इसकी लाइट्स हैं। सो दिस इज़ हाउ द लाइट लुक्स फ्रॉम द फ्रंट। एंड इंडिकेटर्स भी काफ़ी स्टाइलिश हैं इसके। आगे से देखने में थोड़ी मस्कुलर लग रही है बाइक। और इट्स अ डबल डिस्क इन द फ्रंट, ABS इज़ देयर, इट्स अ एयर एंड लिक्विड कूल्ड आई थिंक, 2 cylinders एंड व्हाट एल्स, स्पोर्ट्स जस्टिफाई इट्स नेम, F900R स्पोर्ट्स। सो वेरी स्पोर्टी। आपने देखा सेकेंड गियर में साला कितनी ऊपर भाग रही है। ये इसमें बैक सीट का कुछ मॉडिफिकेशन है, यू कैन यूज़ इट एज अ बैक सीट एज वेल। और टेल इसकी आप देख लो कैसी दिख रही है, आपकी आंखों को अच्छी लग रही है तो ठीक है, नहीं तो ऑब्वियसली मॉडिफिकेशंस मार्केट में ज़रूर मिलेंगे। और ये है इसका कंसोल, सिंपल कंसोल है ये, हज़ार लाइट का स्विच है, मेन्यू ऑप्शंस हैं। मेन्यू ऑप्शंस में
you have all these things, my vehicle information, media settings, so that means it can be connected through the Bluetooth. One is there, and in this side it's only mode and stop and switch off the bike. So the guys, this is the simplest powerful bike I've seen, I've ridden till today. मैंने KTM 790 भी चलाई थी, बट उसके अंदर बहुत सारे फीचर्स थे और प्राइस ऑलमोस्ट सेम था. तो आपको 790 की जगह आपको 900cc मिल सकती है अगर आप BMW का ऑप्शन देख रहे हो. और 0-100 ये कितनी फास्ट जाती है आप देख चुके हो, वो चलाने वाले के ऊपर भी है. तो इसको उतारते हैं नीचे. इसका टैंक खोलने के लिए अगेन यू हैव टू यूज़ द की. अगर इफ़ यू आर ड्रीमिंग फॉर दिस बाइक, दिस इज़ हाउ द की लुक्स, सिंपल एंड सोबर. तो गाइज ये थी इस बाइक की छोटी सी इंट्रोडक्शन. आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा. बाइक 9,90,000 एक शोरूम है, ऑन रोड आपको 12-13 लाख में मिल जाएगी आई गेस, डिपेंडिंग ऑन योर सिटी. जेम्स बॉन्ड जैसा फील हो रहा है भाई इस पर तो. ऐसे में डॉलर को भी ऐसे चलाता हूँ, बट नई बाइक का नया मज़ा. सो गाइज सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन लव यू, टेक केयर, बाय बाय. एंड ओ माई गॉड, some cars.